हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत ज्ञान केंद्र में। और आज हम आपको उर्दू पढ़ाने वाले हैं और उर्दू बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उर्दू में कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं और उर्दू में ग्रामर में क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू में दो बुक्स आएंगे आपके, एक होगा दरक्सा और एक होगी रोशनी। तो टोटल तो वैसे मार्क्स होता है 100 नंबर का मार्क्स होता है, मगर उसमें आपको 40 नंबर के पूछेंगे दरक्सा से, जो सेकंड बुक है, और जो फर्स्ट बुक है उससे आते हैं आपको करीब 15 मार्क्स के हो गए। और आपको जितना बचा ग्रामर में आपको कितना बचे, 45 नंबर्स के आएंगे ग्रामर, मतलब कि ग्रामर मतलब उर्दू को ऐसे आएंगे 45 नंबर्स के। और अगर जब हम इसको पेपर के व्यू से बांटें, तो जैसा कि अगर हम इसे पेपर के व्यू से बांटें तो पेपर तो टोटल 100 मार्क्स का होता है, और इसमें होते हैं सब्जेक्टिव और होते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 60, मगर हमें आंसर करना होता है सिर्फ 50 का। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन ग्रामर से भी होते हैं, रोशनी बुक से भी होते हैं, और दरक्सा बुक से भी होते हैं। तो दरक्सा बुक से अक्सर वही आते हैं, राइटर के बारे में, राइटर के कब पैदाइश हुई थी, कहाँ उनका घर था, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, और बहुत सारे जैसे कि ये शेर किन्हें किस राइटर ने लिखी है और बाकी सब। और फिर इसमें आएंगे कवायद से जैसे कि इस शब्द का मुअन्नस क्या है, आम का मुअन्नस क्या होगा, ये सब क्या होगा। जैसे कि फिर जुमला होता है, जमा होते हैं, आम का जमा क्या होगा, फ़ोन का जमा क्या होगा, बाकी ऐसे सब। और फिर जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पहले तो आपके आएंगे लघु उत्तरीय क्रोश, जैसे कि हम लोग बाकी और सब सब्जेक्ट में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के 10। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होते हैं, बस 3 नंबर के 5 क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और 3 नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे। फिर इसके बाद बचते हैं आपको लेटर लिखना होगा। लेटर जैसे कि लेटर को हम लोग उर्दू में बोलते हैं खत, और एप्लीकेशन को बोलते हैं दरख्वास्त। तो दरख्वास्त और लेटर, ये दो चीज़ होंगी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए हम अभी इसे हटा देते हैं। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कि आपको खत लिखना हो गया। मैंने बताया है कि खत एप्लीकेशन को खत बोलते हैं, मतलब लेटर को खत बोलते हैं, और एप्लीकेशन को हम बोलेंगे दरख्वास्त, ठीक। और ये तो लेटर लिखने या एप्लीकेशन लिखने को आ जाएगा। फिर अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल कर जींस जाहिर करें। जींस मतलब क्या होता है, जींस मतलब लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जुमले लफ्ज मतलब शब्द हो गए हैं आपके, और जुमलों मतलब सेंटेंस, वाक्य। और इस्तेमाल तो सभी जानते हैं, प्रयोग करना। और जींस मतलब होता है आपका जेंडर मीन्स लिंग जाहिर करें। तो है शब्दों को सेंटेंस में बनाकर उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना है। और फिर मजमून होते हैं, मजमून मतलब होते हैं लेख, आपको लेख लिखने होते हैं। और फिर मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुहावरों को सेंटेंस में प्रयोग करना। और फिर आते हैं हमारे वाहिद जमा, वाहिद मतलब होते हैं सिंगुलर, और जमा मतलब होता है प्लुरल। तो फिर आपको सिंगुलर प्लुरल बताने होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतना हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में हम शुरू करेंगे आपको लफ्ज़ से, लफ्ज़ कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं उर्दू में भी नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम इसमें भी होते हैं। तो फिर हम वहीं से शुरू करना चाहेंगे उर्दू में। और बाकी आप सभी सब लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी फैलाएं।
हमारे बिहार के सभी हर कोने में हर बच्चों को पता होना चाहिए कि बिहार में एक ऐसा चैनल है जो हमारे बिहार बिहार बोर्ड के टेंथ की परीक्षा की तैयारी सारे सब्जेक्ट की कराती है एक ही चैनल पे। तो हमारी आप सबसे यही अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ जानकारी लायक लगे, तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट में दीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाभारत।